चोरी कर लिए गए थे, गोल्ड, इनको गोल्ड का ज्वेलरी वगैरह पहनाया हुआ था उस मंदिर में। तो किसी ने, चोरों ने रात को चढ़ के उस मंदिर में घुस के इन विग्रह को चोरी कर लिया, और चोरी करने के बाद में इनके विग्रह उतार के और इनको कि जंगल में फेंक दिया था। तो किसी भक्त के सपने में आ रहे थे और उनको बता रहे थे, मतलब इनको पूरा स्टोरी रिवील हो रहा था कहाँ पे क्या है, क्या लोकेशन है, मायापुर। हाँ, तो फिर क्या हुआ, फिर उसको एग्जैक्ट लोकेशन बताया था, तो उन्होंने महाराज से डिस्कस किया। फिर शाम को उन्होंने शेयर किया, नाम प्रेम प्रभु से बात किया। तो नाम प्रेम प्रभु से बात करने के बाद शाम को हम गए। तो द पॉइंट वॉज के जब हम उतरे वहाँ से ना, और एग्जैक्टली उस उन्होंने क्या किया, और डिवोटी ने, और भगवान वो पूरे ई रिक्शा वाले को पूरा एक्सप्लेन कर दिया था एज इट इज, कहाँ पे लोकेशन है उसका, जगह कैसी है, गंगा जी कितना दूर है वहाँ से, सड़क कैसी है, पूरा एग्जैक्ट लोकेशन बता दिया था। ई रिक्शा वाले को बुक किया, ई रिक्शा वाला गया वहाँ पर, रास्ते में डाउट हो रहा था तो नाम प्रेम प्रभु जी को फ़ोन किया उन्होंने, तो नाम प्रेम प्रभु जी के जाके देखो एक बार क्या होता है। एंड देन वी वेंट देयर इमीडिएटली, द डिवोटी सेज कि प्रभु यही रोड है, वही रोड है, फिर यहाँ से आगे जाओगे तो यहाँ पर मायापुर का टीओपी का मंदिर दिखेगा। तो देखा तो टीओपी का मंदिर दिखा कि इसके सामने एक सड़क जा रही है, उसके पास झाड़ियाँ वहाँ पर। तो वी आर एक्सपेक्टिंग कि वो जो झाड़ी है, मतलब एक और बड़ी झाड़ी थी गंगा जी के किनारे, तो हमें लग रहा था कि उन झाड़ियों में होगा, बहुत बड़ी झाड़ियाँ थी। तो वो डिवोटी गए वहाँ पर और इमीजिएटली ही जंप इनटू दैट नो झाड़ी, स्टार्टिंग यहीं पर है, क्योंकि आप ढूंढो मैं कीर्तन करता। तो दैट डिवोटी जस्ट फिगर्ड आउट विद इन 3-4 मिनट्स, जस्ट फाइंड आउट दिस शिशी गौरा। हम इसको बताना नहीं चाह रहे थे, हम सोच रहे थे कल महाराज आएंगे या प्रभु जी के माध्यम से करेंगे, लेकिन बारिश होने लगी थी तो अच्छा मौका था इनको अभिषेक करने के लिए, तो फिर इनको बाहर निकाला, तो फिर बताना पड़ा सबको। श्री श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय।